Hey guys, what's up? तो भाई तुम्हारा पहुंच गया फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में। अभी मैं वहीं जेरेट हॉल में हूँ। इट्स जस्ट लाइक मेरा कल एक असाइनमेंट का सबमिशन है और काफ़ी सारी पेंडिंग है, बट मुझे पता था कि अगर मैं अपने रूम में रहता या अपने घर वाले साइड रहता तो मेरे से वो होने नहीं थी। तो मैं चुपचाप अपना लैपटॉप और अपना सामान लेकर यहाँ पर आ गया अपने फ्रेंड के पास। और राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम सो दैट आई कैन लाइक मेक माई असाइनमेंट इन पीस। बात करें तो यार मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है एंड यू कैन सी कि मैंने हाफ स्लीव्स डाले हैं, तो डेफिनेटली आज इतनी ठंड नहीं है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, बट उससे पहले कुछ खा लेते हैं बिकॉज आई एम रियली वेरी हंग्री। इट्स जस्ट लाइक कल मैं रात को 12 बजे शिफ्ट से आया एंड आफ्टर दैट मैं 12 बजे आके मैंने खाया और 1 बजे मैंने फिर से असाइनमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। तो 4:30-5 बजे तक मैंने काम किया और उसके बाद मैं फिर सो गया। और अगर 5 बजे सुबह के सोया हूँ तो डेफिनेटली 12-1 बजे से पहले तो मैं उठ नहीं सकता। तो अब 12-1 बजे उठा हूँ तो लंच टाइम हो गया, फ्रेश फ्रेश होकर आई एम थिंकिंग कि पहले जाके कुछ खा लिया जाए एंड आफ्टर दैट आराम से बैठ के अपनी असाइनमेंट कम्प्लीट की जाए। भैया मैं जितने भी ये घर है ना सारे आपको रेंट पे मिल सकते हैं और ये जो है बाकी फ्लैट्स और स्टूडेंट एकोमोडेशन के कंपैरिजन में बहुत चीप है, बहुत ज़्यादा, कि लिटरली एक बंदा यहाँ पे 200 पाउंड्स मंथली में रह सकता है इजीली। पे गर्मी थी बट लिटरली अभी जस्ट वीडियो बनाते विदिन 5 मिनट्स वेदर चेंज हो गया, अब ठंड हो गई है। यहाँ पे ना मिनट मिनट में वेदर चेंज हो जाता है और पता भी नहीं चलता, तो दैट्स वाई मैं एक जैकेट हमेशा अपने बैग में रखता हूँ कि ठंड ना लग जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है ये कॉमनवेल्थ 2022 की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे इवेंट्स जो कॉमनवेल्थ के हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट डील। बहुत सारा चांस मिलेगा अच्छी अच्छी गेम्स देखने का। टिकट्स हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट परचेजिंग सम टिकट्स, बट कोई अच्छी डील मिलेगी तभी, अदरवाइज नो। चल रही है एंड यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी लग रही है, वो देखो वो लोगों के बैठने का भी इंतज़ाम कर दिया सामने, जो वॉल जैसा है ना वहाँ पे पहले नहीं था, ये बस 2 दिन के अंदर खड़ा किया है। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन वाली बिल्डिंग के पास सब जाके कुछ खाएंगे क्योंकि यहाँ पे पता ही आपको अच्छा पब है। भाई एकदम से ना ठंड बढ़ी गई है, अब हवा भी तेज़ चलने लग गई है और ठंडी हवा चलने लगी है, आई गेस बारिश होने वाली है। मेरे दोस्त की क्लासेस लगती है और यहाँ पे सिटिंग थोड़ी अच्छी है तो हम यहीं पे बैठ के अपना काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आ गए, इनकी सिटिंग आप देख सकते हो, रूम बहुत सही सा है, अच्छा सा हॉल टाइप है और काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग के ऑप्शन है। लगा क्योंकि एक पावर डॉक्टर का वो भी लगा हुआ है और व्यू भी अच्छा है। दैट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट प्लेस वेयर आई कैन सर्च एंड डू माय वर्क कंफर्टेबल। या वैसे जो मर्जी है, भले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की फीस बहुत ज़्यादा है बट भाई पैसा वसूल यूनिवर्सिटी है। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे 5-5 मिनट में मौसम बदलता है, लिटरली बारिश स्टार्ट हो गई है। अब ये तो हाल है, अगर आप सही में इंग्लैंड आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, और किसी का भरोसा होना मौसम का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ पर बारिश अब हो गई है तेज, इज वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपकी जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी ना कोशिश करना कि उनको टाइम से पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि जब एंड टाइम पे बर्डन पड़ता है ना तो बड़ी बुरी हालत होती है। इट्स जस्ट लाइक ना फिर आप पार्ट टाइम कर पाते हो प्रॉपरली, ना कुछ और, ध्यान भी पूरा उधर ही रहता है एंड कहीं ना कहीं उतना एफर्ट नहीं आप डाल पाते एंड टाइम पे जितना पहले डाल सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई कि आपकी जो असाइनमेंट्स है वो टाइम से पहले कम्प्लीट हो जाए, वरना मेरी वाली हालत हो जाएगी सीधी बात। बारिश अभी ख़त्म हुई और फिर से धूप भी निकल आई है, आई थिंक आज रेनबो डेफिनेटली निकलेगा। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा और आपको पता चल गया कि यूके के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल।